राजधानी के मेट्स यूनिवर्सिटी द्वारा नेशनल लेवल सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार की शुरुआत आज हुई है। यह सेमिनार 2 दिनों का है। मेट्स यूनिवर्सिटी को यह सेमिनार करते हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मैनेजमेंट में क्या क्या नए चेंजेस और टेक्नोलॉजी चेंजेस जिसको किस तरह से हम एडॉप्ट करें है। इस सेमिनार में ना कि रायपुर और छत्तीसगढ़ के बल्कि अलग अलग प्रदेशों से स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धमतरी IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रजत बंसल शामिल थे। ये वर्ष 2020 नेशनल लेवल सेमिनार हम हर साल करते हैं और ये हम लोग का 7वां साल है, जो कि आज का सेमिनार का जो मेन थीम है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न एरा अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। इसका मुख्य उद्देश्य ये है जैसे कि आज के ज़माने में मैनेजमेंट में क्या क्या नया प्रैक्टिसेस हम लोग चेंज कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो रहा है वो टेक्नोलॉजी को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे। ये थीम को लेके रायपुर, छत्तीसगढ़ और बाहर से बहुत स्टेट से भी बहुत सारे स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स और कॉरपोरेट लोग आके यही थीम के ऊपर बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो आने वाला जो मैनेजमेंट ट्रेनी से मैनेजमेंट स्टूडेंट है उन लोग का फ्यूचर के लिए बहुत काम में आएगा, जैसे कि किस तरह का हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट कर सकते हैं और मैनेजमेंट में क्या क्या सुझाव हम ला सकते हैं। तो ये 2 दिन का सेमिनार में आज का इनॉग्रल डे था, डे 1 था और आज के इनॉग्रल डे में श्री रजत बंसल जी IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर धमतरी वो मुख्य अतिथि के रूप में थे और प्रोफेसर राजाराम यादव वाइस चांसलर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से वो गेस्ट ऑफ ऑनर किए थे और इंडियन काउंसिल ऑफ बिजनेस एजुकेशन बेंगलोर से 11 डेलीगेट्स आए थे। वो पूरा उन लोग का जो सेशन यहाँ पे था, सब लोग ये मैनेजमेंट एरिया के ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस अपने बच्चे को दिए हुए हैं।